नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ ईशा श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि यह बयान जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा कि हम उनके विचार को मानते हैं और उन्हीं की बात को लेकर चल रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। और यहीं पर हम कार्यक्रम में भी आते हैं और अभी उनके गांव में हम जा रहे हैं। ये तो होता ही रहता है और आप तो जानते हैं कि कर्पूरी जी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को आगे बढ़ाने में, और इस तरह से आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका थी, सब तरह से बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो उन्हीं को मानते ही हैं और उन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं। बहुत बड़ा काम सर, गठबंधन को लेकर उनके किसी बात पर मत पूछिए। बोलो अब वो कुछ आजकल बोल रहे हैं तो जो मर्जी बोले हमको कोई लेना देना नहीं। और यहीं पर कार्यक्रम में भी आते हैं और अभी उनके गांव में हम जा रहे हैं। ये तो होता ही रहता है और आप तो जानते हैं कि कर्पूरी जी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को आगे बढ़ाने में, और इस तरह से आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका थी, सब तरह से बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो उन्हीं को मानते ही हैं और उन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं। बहुत बड़ा काम सर, गठबंधन को लेकर उनके किसी बात पर मत पूछिए। बोलो अब वो कुछ आजकल बोल रहे हैं तो जो मर्जी बोले हमको कोई लेना देना नहीं। और यहीं पर कार्यक्रम में भी आते हैं और अभी उनके गांव में हम जा रहे हैं। ये तो होता ही रहता है और आप तो जानते हैं कि कर्पूरी जी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को आगे बढ़ाने में, और इस तरह से आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका थी, सब तरह से बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो उन्हीं को मानते ही हैं और उन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं। बहुत बड़ा काम सर, गठबंधन को लेकर उनके किसी बात पर मत पूछिए। बोलो अब वो कुछ आजकल बोल रहे हैं तो जो मर्जी बोले हमको कोई लेना देना नहीं। तो सुना आपने कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के किसी बात पर हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य का कोई भी जवाब नहीं होगा। साथ ही उन्होंने सुशील मोदी के किए गए ट्वीट पर भी अपना बड़ा बयान दिया है। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ डीटीवी भारत पर। नमस्कार।